खबरी कहाँ है? अंडे आपके लिए खबर लाया था। खबरी कहीं का एक रूम ही ना तेरे को। रोज अच्छे नहीं लगते हैं। नहीं। तुम हमको अगली खबर बताओ। अंडे खबरी नाम है मेरा, खबर सबकी रखती हूँ। नमस्कार नमस्कार दर्शक लोग, कैसन हो? कैसा तो चला, पैर नहीं हिलाओ, संध्या के समय हम बोलते हैं ना, तुमको नहीं समझ रहे हो? ये बाल भी तो सुनता ही नहीं ना है हमारी, और ससुर जी भी आजकल नहीं सुनते हैं हमारी। हम बता रहे हैं कछु तो हो गया है ससुर जी को, अब क्या बताएं दर्शक लोग। वैसे अच्छे से नमस्कार करते हैं, कैसन हो, कैसा तो चल रहा है। हम बोले ये बालवीर है ना समीक्षा बेटिया का बेटा, हमको बोले कि हमको एक गाना बताएं। दर्शक लोग आएंगे ना तो उनके स्वागत में गाना गाएंगे, तो कौन सा गाना बताया बताए हमको? वो गाना नहीं है उस साबन में लग गया। हम बोले ऐसा गाना गाएंगे तो बोले मामी जी गाना का बुरा है। हम बुरा नहीं, हम बोले हमको आता भी नहीं, हम फिर ऐसा गाना गाएंगे तो हम लोग ठीक है गा लेते हैं। क्या कहते हो दर्शकों? साबन में लग गई आग दिल मेरा, हमको इतना ही आता है। पता है फरहान अख्तर जी की जो शादी होने वाली है ना शिवानी जी से, उनकी खबर लाए हैं, चलिए फोट से दिखाते हैं आपको। फरहान अख्तर की माँ हनी ईरानी शिवानी दांडेकर के साथ उनकी शादी के लिए हैं बहुत एक्साइटेड। उन्होंने शिवानी को लवली और गॉर्जियस कहा। जी हाँ, फरहान अख्तर की माँ हनी ईरानी ने कहा है कि उन्हें शिवानी दांडेकर बहुत खूबसूरत और अपने बेटे के प्यार में पागल लगती हैं। बता दें कि फरहान और शिवानी 4 साल के रिश्ते के बाद 21 फरवरी को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। फरहान गीतकार और लेखक जावेद अख्तर और उनकी पहली पत्नी स्क्रिप्ट राइटर हनी ईरानी के बेटे हैं। हाल ही में शिवानी के बारे में बात करते हुए हनी ईरानी ने कहा, शिवानी लवली प्लेजेंट और गॉर्जियस है, वह फरहान के प्यार में पागल है और फरहान भी उसके प्यार में पागल है। मुझे उम्मीद है कि वे एक दूसरे को खुश रखेंगे और खुश रहेंगे। वही बता दें कि जावेद अख्तर ने पहले कहा था कि कोरोना वायरस महामारी की वर्तमान स्थिति के कारण साधारण तरीके से ही शादी होगी। इसके लिए अपने उत्साह को शेयर करते हुए हनी ईरानी ने कहा, यह एक खुशी का अवसर है और मैं इसका इंतजार कर रही हूँ। वास्तव में परिवार में हर कोई इसका इंतजार कर रहा है, हम बहुत ही एक्साइटेड हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वे दोनों खुश हैं और मुझे उम्मीद है कि उनका जीवन शानदार होगा। यह देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि वे अब शादी के बंधन में बंध रहे हैं। एक दूसरे को लेकर काफी सीरियस थे। जी हाँ, तो हम भी उन्हें देना चाहेंगे बधाई ढेर सारी कि वे दोनों एक साथ बहुत बहुत खुश रहे और शादी की उनको ढेर सारी बधाइयां। क्या कहते हो दर्शक लोग, हम तो बहुत बहुत बधाई देते हैं फरहान बेटे और शिवानी जी को। शादी हो रही है, बहुत बहुत बधाई हो, खुश रहो, तू तो नहाओ फूतो फलो, जो आपकी इच्छा है वो करो, हम तो बस बधाई देते हैं, खुश खुश रहो। अभी हम जाते हैं फोर्ट से दर्शक लोग, छठ से नई खबर आपके लिए लेकर आते हैं, तब तक के लिए बने रहिएगा आंटी के साथ। जय राम जी की।